Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fawad Rauf. Today we will going to start exercise 2C, question number 11. ये question previous word problem से थोड़ा सा different है, इसीलिए आज हमने ये question choose किया है आपको समझाने के लिए. आइए चलते हैं question की तरफ. What is the smallest number 1332 यानी में डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी इस 1323 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, किस छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए कि अंश जो नंबर बन बाद में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी डिवाइड करते इस नंबर को किससे डिवाइड करें, 1 से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से, 3 से, 5 से, या किस नंबर से डिवाइड करवाया जाए कि ये नंबर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. पहली बात यहां पे ये समझने की है, इस वक्त इस शेप में ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जी, इस वक्त ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको इसको किसी नंबर से डिवाइड करना है. जो नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट एक नंबर है, वैसे उसने ये आपको हिंट दे दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर है. आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इजी मेथड ये है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें. क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें और पेयरिंग करें. परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो ये याद रखें आपके पास कितने पेयर बनते हैं, 2 2 के पेयर बनते हैं. स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4. तो यू इन एनी नंबर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसके कितने पेयर बनाए, 2 2 पेयर बनाएंगे. और जो नंबर बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा, इसका मतलब होगा कि हमें उसी नंबर से डिवाइड करवा देंगे अगर इसको, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा जी. उसको डिवाइड करवाने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. सबसे पहले सॉल्यूशन और 1323 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सबसे पहले ये देखिए लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट वाला नंबर क्या है जी, क्या वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये देखिए जी. लास्ट वाला नंबर क्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर. तो इसका मतलब है ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा. तो पहला ऑड नंबर क्या है, 3, तो चेक करते हैं ये 3 से डिवाइड हो रहा है जी. 3 4 12, 13 से 1 कैरी का चला गया, ये 12, 3 4 12, 3 1 3 हो गया. नेक्स्ट अब किसकी बारी है, यहां क्या आ रहा है, 1 1 क्या है, ऑड नंबर. तो आप किससे चेक करेंगे, 2 से तो नहीं कर सकते, आप 3 से, 5 से या ऑड नंबर से चेक करें, नहीं तो फिर किससे चेक करना पड़ेगा जी, प्राइम नंबर से, ऐसे नंबर से चेक करना पड़ेगा जो इटसेल्फ मल्टीपल हो. दोबारा 3 से, 3 1 3, 1 कैरी जी, 1 कैरी, और 3 के जगह 14 तो नहीं आता, तो क्या आता है, 3 4 12, 2 कैरी, 3 7 21, फिर 7 आ गया, एंड में 7 हो तो 3 से, 5 से या 7 से जा रहा होता है. तो चेक करते हैं 3 के टेबल में 14 नहीं आता, लेकिन 12 किस पे आता है, 3 4 12, 14 से 12 माइनस करें 2, 27, 3 9 27. अब नंबर है 49 जी, आपको तो पता है कि 49 परफेक्ट स्क्वायर है. किसका परफेक्ट स्क्वायर है जी, 7 का. तो 7 7 49 और 7
1 7। तो हमने 1323 के प्राइम फैक्टर बनाए 3 3 3 7 7। तो अब हम इसको पेयर्स में करेंगे और जो नंबर बच जाएगा असल में वही नंबर होगा जो इससे डिवाइड होने के बाद आपको परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर बच जाएगा। 1 3 2 3 equals to 3 3 3 7 7। जी कितने, ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, 3 की पावर स्क्वायर 7 की पावर स्क्वायर और 3, ये 3 बच गया आपके पास अलग से 1। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो तमाम के ऊपर स्क्वायर आना चाहिए था, पेयर बनने चाहिए थे। इसका मतलब हो गया कि अब अगर आप 1323 को डिवाइड कर दें किससे, 3 से, तो जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग 1323 बाय 3 मेक इट एज परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो चाहे आपसे नंबर पूछे, बताइए वो नंबर क्या था, इस क्वेश्चन में तो उसने पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप वो आपसे पूछे कि नंबर भी बताइए कि वो नंबर क्या था, आप लोग क्या करेंगे, सिंपली इस नंबर को 1323 को डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। जी डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 4 12 माइनस करवाया, क्या बचे आपके पास 1। जी फिर 2 नीचे उतर गया, 3 4 12 लास्ट में क्या बचा, 3 3 1 3। तो वो नंबर क्या था, 441। और यही काम, यही चीज बगैर किए भी आप बता सकते थे। जी यही काम बगैर किए भी आप बता सकते थे, वो कैसे, नंबर क्या था 3। तो अब आप पहला नंबर आपने किससे डिवाइड किया था, इस 1323 को किससे डिवाइड किया था, 3 से, 3 निकाल दें ये वाला स्टेप हटा दें क्योंकि 3 से डिवाइड किया था। तो नंबर क्या बच रहा है, जी 441 बच रहा है। तो वो देखिए वहां पर भी हमने डिवाइड करके नंबर क्या निकाला था, 441 निकाला था। सिमिलर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 10। हमने 11 कर लिया, 10 सिमिलर है, उसके अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहां डिवाइड की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो वहां पे भी एक नंबर कोई ऐसा बच जाएगा जो कि पेयर नहीं बनाएगा। आप इसका मतलब क्या हुआ, उस नंबर से अगर उस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस कुछ नहीं था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैंने करवा दिया, 10 आपने खुद करना है। वहां पर भी एक नंबर है, वहां पर भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन डिवाइड की जगह क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है और उसको भी परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से आप उस क्वेश्चन में भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पेयर्स बनाएंगे 2 2 के, तो परफेक्ट स्क्वायर है। जी परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए 2 2 के पेयर बनाए। क्यूब होता तो कितने के पेयर बनाता, मैं 3 3 के पेयर बनाता, 2 2 के
पेयर बनाए, जो नंबर बचेगा अगर आप उससे डिवाइड, यहाँ डिवाइड था तो डिवाइड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई आएगा तो उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। होपफुली आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।